नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं टूथ प्रिवेल के साथ और मैं हूं नियति। आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर अन्य शहरों से लोग जो है जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले भी आपको अमरनाथ यात्रा को लेकर खबर बताई थी, जहां पर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। पर वहीं दूसरी ओर बात की जाए अगर तो कई यात्रु जो है वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, वो रेलवे स्टेशन जम्मू पे पहुंचे हैं और उन्हें पंजीकरण के बाद जो लिख के दिया जाता है कि आपको यहाँ रुकना है, आपकी व्यवस्था यहाँ पर है, उसको लेकर काफी परेशानी आ रही है। अभी जो हम आपको विजुअल्स दिखाने जा रहे हैं, आप उन विजुअल्स में भी देखिएगा कि किस तरह से लोग जो हैं वो रोष व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हमें 4 दिन हो गए हैं जम्मू पहुंचे हुए और हमें अभी तक चाय भी नहीं मिली है सही तरीके से। तो आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स और उन लोगों का क्या कहना है, वो भी आपको दिखा। अभी जो विजुअल इस समय काफी बड़ी और गर्मी में देख सकते हैं कि लोग लंबी कतार में जो है अपने पंजीकरण करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। काफी लंबी लाइन जो है वो तस्वीरों में आ रही है। अन्य अन्य राज्यों से आए हुए लोग परेशान भी हैं और कई लोग उत्साहित भी हैं। अब क्या कुछ इनका कहना है इनसे भी सुनिए। 9 बजे जाने वाले को वापस भेज रहे हैं, पैसा चल रहा है सभी तरह। जब 6 बजे से बैठा हुआ था वो काको प्रेम बिठा दे उसको। 6:30 बजे गए वाले अंदर हमारे औरत और वो उनको बाहर बाजू के बैठा दे, और बाद में गए वाले जो औरत आए वो बाहर निकल रहे पास लेके पर्ची लेके। ये क्यों बिठा रहे यहाँ पूछने को आए तो ये बता रहे नहीं और अंदर भी जाने नहीं दे रहे हमें। ये नहीं पूछने को था उनको क्यों नहीं दे रहे पर्ची भी उनको बाजू को बिठा दे। दिलीप भाई अम्बीर, अभी महाराष्ट्र के हम 5 दिन इधर ही रुके, खाना भी नहीं, चाय भी नहीं, कुछ नहीं। वो रहने को रूम बोला तो वो बोले जो 50 लोग हो तो 20 बेड में एडजस्ट करो, वो भी कर गए। अभी तक चाय भी नहीं, वो पी भी लिखा है, क्या इसका मतलब क्या होता है। लेडीज लोग है, उसको हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश लिखना है तो पूरा लिखने का ना पंचायत धाम लिखने का। पी भी का मतलब क्या, हम क्या जानेगा। इधर उधर घूमता है, चाय भी नहीं मिलता है। एमपी से आया हूँ नीमच जिले से, और मेरी भाभी गेट के सामने खड़ी थी, उस मैडम ने उसको मारा और वो रो रही है और धक्के दे रहे हैं यहाँ पे, और कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद में बीच में घुस रहे हैं और प्रशासन चुपचाप अपने अपने काम से बैठे हैं और सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। और यहाँ हमको 5-6 दिन हो गए और 3 दिन से अंदर चले गए और उसके बाद भी बाहर निकाल दिया कि गेट पास खत्म हो गए। और इनकी धांधली चल रही है, होटल में जितने में रुके हुए हैं इनको सबको ये टिकट दे रहे हैं। और तो देखा आपने किस तरह से लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा रोष व्यक्त कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि वे कई एमपी से आए, कई महाराष्ट्र से आए, अन्य अन्य क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द उनकी दिक्कतें जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि और यात्रियों को भी जो है ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे टूथ प्रिवेल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।